नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएसएल न्यूज़। जमशेदपुर पुलिस ने शहर के आसपास के क्षेत्रों में शराब दुकानों में लगातार हो रही चोरी का खुलासा कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस मामले में पुलिस ने सरगना समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में जुगसलाई गौरीशंकर रोड निवासी मोहम्मद राजू उर्फ विजय मुंडा, सिद्धगोड़ा बागुनहातू निवासी दिलीप कालंदी, जुगसलाई निवासी मोहम्मद अफजल बारीडी निवासी अंकित करण, गमरिया निवासी लालटू गोराई खिरोद गोराई, सांची निवासी राजा सिंह उर्फ कोदू सरकार और गोलमुरी निवासी सावा सिंह उर्फ लड्डू सिंह शामिल है। आरोपियों के पास से पुलिस ने एक देसी कट्टा, 2 जिंदा गोली, घटना में इस्तेमाल की गई 4 कार, 55 पेटी शराब, 8 मोबाइल फोन और ताला तोड़ने के लिए इस्तेमाल करने वाला औजार बरामद किया है। गुरुवार को मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी किशोर कौशल ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी से एक साथ 20 मामलों का उद्भेदन हुआ है। शहर की शराब दुकानों में हो रही चोरी के उद्भेदन के लिए पुलिस ने एसआईटी का गठन किया था। मंगलवार को सूचना मिली कि एक कार में कुछ अपराधी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में हैं। इसके बाद पुलिस ने गालुडी के सालबनी मोड़ के पास जांच अभियान चलाया। मौके पर पुलिस ने अफजल मोहम्मद राजू दिलीप और अंकित को पकड़ लिया, जबकि अन्य आरोपी मौके से फरार हो गए। हालांकि पुलिस ने बाद में सभी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि सभी घाटशिला में डकैती करने जा रहे थे। आरोपियों ने बताया कि जिले के कदमा सुनारी, टेलको विष्णुपुर, सांची, सिद्धगोड़ा, घाटशिला, माऊ भंडार, सीताराम डेरा, गोविंदपुर, बिरसा नगर, मानगो, एमजीएम समेत सरायकेला, खारसावा जिले के आदित्यपुर, गमरिया, चांडिल समेत चाईबासा और चकदरपुर के अलावा उड़ीसा में भी लूट और चोरी की घटना को वे अंजाम दे चुके हैं। कुछ माह से कई थाना क्षेत्रों में शराब की दुकानों में खासतौर पर चोरी का मामला सामने आया था, जिसमें प्राथमिकी भी दर्ज की गई थी और अलग अलग थाना क्षेत्रों में हुई इन घटनाओं को लेकर एक एसआईटी का गठन किया गया, जिसे एसपी सिटी लीड कर रहे हैं और उसमें कई पुलिस उपाधीक्षक और थाना प्रभारी शामिल हैं। उनके द्वारा लगातार तकनीकी एवं मानवीय आसूचना का संकलन करते हुए एक पूरे गिरोह का एक प्रकार से उद्भेदन किया गया है, जिसमें कुल मिलाकर के 8 अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी की गई। इस प्रकार की एक आसूचना प्राप्त हुई थी कि अपराधकर्मी पुनः एक डकैती की योजना बना रहे हैं और इसी दौरान उन्हें दारूडी थाना क्षेत्र में जो है एक गाड़ी में एक चारपहिया वाहन से गिरफ्तारी की गई, जिसमें कि 4 अपराधकर्मी वहां से गिरफ्तार हुए, मोहम्मद राजू, विजय मुंडा, दिलीप कालिंदी, मोहम्मद अफजल और अंकित करण। उसमें से एक अपराधकर्मी वहां से भागने में कामयाब रहा, जिसे बाद में गिरफ्तार किया गया, जिसका नाम और इसके अलावा जब इन लोगों से पूछताछ की गई तो यह बात सामने आई कि जहाँ पर ये लोग जो चोरी की हुई शराब थी जो छुपाते थे, तो गमरिया में रेड किया गया, जहाँ से लालटू गोराई और खिरोद गोराई नाम के 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है और उनके पास से बड़ी मात्रा में शराब भी बरामद हुई है। कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो इनके पास से एक देसी कट्टा, गोली, कैंची, कटर, बेसिकली जो शटर काटने के लिए जो कैंची यूज़ करते थे वो कटर हम लोगों को मिला है और सबन जो इनका प्रयोग अगेन दुकान को तोड़ने के लिए, दुकान का ताला तोड़ने के लिए किया जाता था, वो बराबर हुआ। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें हमें 3 चारपहिया वाहन भी इनके पास से बरामद हुआ है, जिसमें कि 2 गाड़ी, एक लाल रंग की एक चारपहिया वाहन है और एक हल्के सिल्वर कलर की एक चारपहिया वाहन है। इन दोनों वाहनों का उपयोग चोरी के लिए किया गया था, ट्रांसपोर्टेशन के लिए करते थे ये लोग, जो कि कई जगहों पर सीसीटीवी में भी इन गाड़ी का एक तरीके से कह सकते हैं कि विजुअल हम लोगों को मिला। साथ ही साथ जो गमरिया में जो रेड हुआ वहाँ पर से एक ओमनी कार बरामद हुई, जिसमें कि लगभग 55 पेटी जो है वो फॉरेन लीगर जो है वहाँ से बरामद हुआ है। इसके अलावा तकरीबन 8 मोबाइल फ़ोन इनके पास से बरामद हुआ है। जो एक बोलेरो उनके पास से मिली है वो गाड़ी भी जो है बेसिकली चोरी की है, जो कि रायरंगपुर उड़ीसा से चोरी की गई थी। कुल मिलाकर के जो 20 कांड उद्भेदित हुए हैं, उन 20 कांडों में आदित्यपुर, गमरिया, चांडिल, कपाली और चाईबासा के चक्रधरपुर, इन थानों के भी, यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हैं कि अंतर्राज्यीय, अंतर जिला इस प्रकार का एक गिरोह था जो लगातार घटनाओं को अंजाम दे रहा था। अभी हाल में टेलको में भी एक पदाधिकारी के यहाँ जो है लूट की घटना को अंजाम दिया गया था, उस घटना का भी खुलासा किया गया है और इसमें जो गाड़ी प्रयुक्त हुई थी और जो व्यक्ति इसमें शामिल थे उनकी गिरफ्तारी की। दिन भर के ताजा अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे साथ YouTube और Facebook पर, साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।